हेलो दोस्तों, पिछले पार्ट में हमने सीखा था प्रतिरोधकों यानी रेजिस्टर्स को श्रृंखला में कैसे जोड़ते हैं। इस पार्ट में हम जानेंगे प्रतिरोधकों को समानांतर यानी पैरेलल में कैसे जोड़ते हैं। पहले हमने एक सरल परिपथ का उदाहरण लिया था जिसमें एक बैटरी पंखे के साथ एक स्विच द्वारा एक मोटर से जुड़ी हुई थी। यहाँ तार का प्रतिरोध न के बराबर है। मान लीजिए वी इक्वल टू 3 वोल्ट है और मोटर का रेजिस्टेंस 60 ओम्स ले लेते हैं, तो यहाँ परिपथ से प्रभावित हो रही विद्युत धारा की मात्रा जानने के लिए हम ओम्स लॉ का इस्तेमाल कर सकते हैं। V इज इक्वल टू I इंटू आर, तो I इज इक्वल टू V बाय आर विच इज इक्वल टू 3/60 विच इज इक्वल टू 0.05 एम्पियर। और अगर हम 1000 से मल्टीप्लाई करें तो हमें मिलेगा मिली एम्पियर में, तो 0.05 × 1000 मिली एम्पियर हो जाएगा विच इज इक्वल टू 50 मिली एम्पियर। यानी परिपथ से 50 मिली एम्पियर का करंट प्रवाहित हो रहा है। अब हम इस तरह से समानांतर कनेक्शन में एक दूसरी मोटर को और जोड़ देते हैं, तो दोनों मोटरों का एक एक सिरा बैटरी से जुड़ा होगा और दूसरा सिरा एक स्विच की तरफ। चलो अब हम इस स्विच को चालू करते हैं, दोनों मोटरें चलने लगेगी। इसका परिपथ रेखा चित्र कुछ ऐसा दिखेगा। हमारे पास दोनों मोटर समानांतर में जुड़ी हुई है जिसे हम प्रतिरोध की तरह दर्शा रहे हैं, और एक बैटरी है और स्विच से निकलकर तारे दोबारा बैटरी से जा रही है। दोनों मोटरों यानी लोड विद्युत धारा के रास्ते में कुछ प्रतिरोध उत्पन्न कर रही है। इस केस में हम कहेंगे प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस समानांतर यानी पैरेलल में जुड़े हुए हैं। मान लेते हैं दोनों प्रतिरोधकों यानी रेजिस्टर्स की प्रतिरोध क्षमता R1 और R2 है। अगर हम दोनों प्रतिरोधकों के बीच वोल्टमीटर का इस्तेमाल करके विभवांतर यानी पोटेंशियल डिफरेंस नापे, तो हमें बैटरी के सिरों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस का जो मान मिला है वह एक समान होगा। यानी पूरे परिपथ का पोटेंशियल डिफरेंस वी ही होगा, वी जो कि मेन पावर सोर्स यानी बैटरी का वोल्टेज है। अगर हम परिपथ की अलग अलग बिंदुओं पर एमीटर का इस्तेमाल करके करंट की मात्रा नापे, तो हम यह पाएंगे कि करंट I मुख्य परिपथ से प्रभावित होता है, जबकि करंट I1 प्रतिरोधक R1 से और करंट I2 प्रतिरोधक R2 से प्रभावित हो रहा है। यानी दोनों मोटर में अलग अलग करंट जा रहा है। और अगर हम इस करंट की मात्रा को नापे तो हम पाएंगे I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, पर I1 इज इक्वल टू V बाय R1, क्योंकि V वोल्टेज है और R1 मोटर 1 का प्रतिरोधक, और I2 इज इक्वल टू V बाय R2। मान लीजिए कुल परिपथ का प्रतिरोधक R होता है, तो ओम के सिद्धांत के अनुसार पूरे परिपथ के लिए I होगा V बाय R। अब हम ये सारे मान I इक्वल टू I1 प्लस I2 में रख देते हैं, तो हमें मिलेगा V बाय R इज इक्वल टू V बाय R1 प्लस V बाय R2, है ना। तो इस समीकरण में हम V को कॉमन फैक्टर है, इसको अगर हम दोनों जगह V से भाग देते हैं तो हमें मिलेगा 1 बाय R इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। और अगर हम और सिंप्लीफाई करें LCM लेके, तो हमें मिलेगा R इज इक्वल टू 1 बाय पूरा ब्रैकेट में 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। यानी अगर कई प्रतिरोधक रेजिस्टर्स परिपथ में समानांतर यानी पैरेलल में जुड़े हैं, तो परिपथ का कुल प्रतिरोध अलग अलग प्रतिरोधकों के प्रतिरोध से कम होगा। मुख्य परिपथ से प्रभावित हुआ करंट प्रतिरोधकों में प्रभावित हो रहे करंट के जोड़ के बराबर होगा, यानी I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, और पूरे परिपथ में एक समान विभवांतर यानी पोटेंशियल डिफरेंस V होगा। तो हमने अभी जो उदाहरण देखा था उसमें करंट की मात्रा क्या होगी, चलिए पता लगाते हैं। यहां तार का प्रतिरोध ना के बराबर है और सारा प्रतिरोध पंखे से उत्पन्न हो रहा है, तो V इज इक्वल टू 3 वोल्ट। मान लीजिए R1 इज इक्वल टू 60 ओम्स, और जो दूसरी नई मोटर हमने पैरेलल में जोड़ी थी वो उसका प्रतिरोध है 100 ओम्स। तो परिपथ में कुल प्रतिरोध R होगा R इज इक्वल टू 1 बाय ब्रैकेट में डिनोमिनेटर में 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। तो इसमें वैल्यू रखते हैं, मिलेगा हमें 1 बाय
160 प्लस 1/100, और इसको जब हम सिंप्लीफाई करें तो हमें मिलेगा 37.5 ओम्स। तो पंखे में करंट की मात्रा का पता हम ओम के सिद्धांत आई इक्वल टू वी बाय आर से पता लगा सकते हैं, है ना। तो वो होगा वी बाय आर वन, अगर हम पहली मोटर में देखें तो आएगा 3/60 विच इज इक्वल टू 0.05 एम्पियर या 50 मिली एम्पियर अगर 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो पंखे से 50 मिली एम्पियर विद्युत धारा प्रभावित हो रही है। तो यहाँ पर भी 50 मिली एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। तो हमारे घरों में आमतौर पर समानांतर परिपथ का इस्तेमाल होता है, पैरेलल कनेक्शन का। जैसे कि जब हम बिजली के बोर्ड से कई सारे उपकरण चलाते हैं, यहाँ हर एक उपकरण समानांतर में जुड़ा होता है, पैरेलल में, और सभी का अलग अलग प्रतिरोध होता है। हम सभी उपकरणों को एक ही वोल्टेज देते हैं जो कि हमारी मेन लाइन के समान है, पर हर एक उपकरण अपने प्रतिरोध के अनुसार करंट की अलग अलग मात्रा इस्तेमाल करता है। जैसे कि एक हीटर कॉइल किसी मोबाइल के चार्जर से बहुत ज़्यादा करंट लेगी। तो हम किसी भी एक उपकरण को अपनी मर्जी से चला और बंद कर सकते हैं क्योंकि वो समानांतर में जुड़े हुए हैं। एक उपकरण में करंट जाना बंद भी हो जाए तो इससे दूसरे उपकरण पर कोई असर नहीं होता है। हमारे घर के हर कमरे में इसी तरह बिजली की वायरिंग होती है ना। तो आज इस लेसन में इतना ही बच्चों, फिर मिलेंगे। बाय बाय।